Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing good and great. आप सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे. मैं आजकल जो है वो तबीयत ना साज़ है मेरी, दुआ किया करें अल्लाह आप लोगों को भी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे. सब के लिए दुआ किया करें और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें ज़ालिम के शिकंजे से बचाए. और ये छोटी सी एक शॉर्ट फूड व्लॉग था अबाउट पोर्ट ग्रैंड. ऐसी सडन प्लान बना, मेरी कज़न्स जो थीं वो वहाँ पे ऑलरेडी थीं और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, तो मैं जो है वो बस ऐसे ही चली गई. रास्ते पता नहीं थे, इन ड्राइवर करवाई, प्रो जो है हमने बनना होता है, तो हम बैठ के जो है वो इन ड्राइवर के थ्रू पहुँच गए. और ये पोर्ट ग्रैंड की इंट्रेंस है. एज सच इतना क्लियर मैं नहीं कर पाई क्योंकि अभी मैं इतना ट्रेन नहीं हुई हूँ. मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है किसी के सामने रिकॉर्ड करना जिनको आप जानते नहीं होते स्पेसिफ़िकली. और ये पोर्ट ग्रैंड का बहुत खूबसूरत सा व्यू है जहाँ पे बोटिंग होती है. अगर आपको ये वाला व्लॉग देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देखिएगा, इंशाल्लाह आई विल अपलोड ऑन दैट चैनल सून. और ये हम बोटिंग से वापस आ रहे थे. यहाँ पे आपको एक कुछ पासेस मिलते हैं अराउंड 500 समथिंग के पर पर्सन, और वो आपको पासेस लेके अंदर एंटर होना होता है. बहुत अच्छी सी वाइब्स हैं इसकी, एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है, सब ओके है. फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी आपको मिलेगी यहाँ पे, हर तरह के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे. आपको पाकिस्तानी खाना है, सी फूड खाना है, कुछ भी खाना है आपको आपको यहाँ पे मिलेगा. बच्चों के लिए भी अलग एंटरटेनमेंट है यहाँ पे, बहुत वाइड कलेक्शन है हर चीज़ की, तो आप लोग यहाँ पे आके खूब इन्जॉय कर सकते हैं. रिकमेंडेशन ये है कि आप रात में आएँ तो ज़्यादा बेटर है. तो ये इस तरह की पूरी फूड स्ट्रीट थी जहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट थे. अगर बच्चों के रोने की आवाज़ आए तो माजरत, क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो एक फैमिली रहती है और उनके बहुत सारे टीने मीने बच्चे हैं जो कि बहुत रोते हैं. और हमने सेलेक्ट किया था फ्रीदी इन, न्यू कुछ ट्राई करना था कि यहाँ का कैसा है देसी फूड. तो क्योंकि मेरी कज़न्स जो हैं वो बंस रोड से ऑलरेडी खा पी के आई हुई थी, तो मुझे भी ऐसा, मैं अकेली कितना खा लेती, तो मैं तो हमने सिर्फ मिनिमल सा ऑर्डर किया था. अभी आप देख लीजिएगा तो ऑर्डर में हमारे पास था मटन कढ़ाई थी और चिकन कढ़ाई थी और चपली कबाब थे. और खाना वॉज सो 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 गुड. और बिल भी आई गेस 6 to 7K बना था. और हम लोग थे टोटल 6 लोग थे हम लोग, और हम लोगों ने माशाल्लाह पेट भर के खाया था. तो आप लोग जो है वो यहाँ जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ और अपना वीकेंड जो है वो अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.